वेलकम माई YouTube चैनल सर मोहम्मद रज खान, लेक्चर नंबर 86, चैप्टर नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड ईयर का टॉपिक है। आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट प्रीवियस आई थिंक 6-7 लेक्चर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किन तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये चार फॉर्मूले वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद जो कॉपी पेंसिल लेके आप पढ़ रहे हैं उसमें ये चारों फॉर्मूले लिख लें ताकि आपको आसानी हो सके, बार बार आपको नोट डाउन या वीडियो को बैक करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमारे पास जो कंडीशन है वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है। फंक्शन अब पहले था अंडर रूट एक्स, अभी इधर आ गया 2x, तो फंक्शन ऑफ एक्स इज साइन 2x, वही एक सेम फार्मूला जो शुरू से चलता आ रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह साइन 2x, ए की जगह साइन 2a अपॉन एक्स माइनस ए। फार्मूला जो है 2 cos u प्लस वी डिवाइड बाई 2 u माइनस वी अपॉन 2, तो 2x प्लस 2 अपॉन 2, 2x माइनस 2 अपॉन 2, क्योंकि हमारे पास जो u है वो क्या है 2x और v है 2a, तो इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऊपर से देखें 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन निकाल लिया, इधर भी 2 को हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है। अब जो 2 और 2 अपॉन में आ रहा है, देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये टर्म एज इट इज आ गई एक्स माइनस ए। ये जो 2 था ये हमने बाहर निकाल दिया, अब लिमिट को हमने सबसे अलग अलग लिख दिया। देखें लिमिट एक्स ए कॉस एक्स प्लस ए लास्ट लाइन में साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, सेम कंडीशन आ रही है। अब आपने करना क्या है कि साइन यू माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला जो इधर लगाया था वो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले को। देन एक्स एरो ए ए ए एरो ज़ीरो, अब जो कंडीशन चल रही थी ये लिमिट सबके साथ अलहरा अलहरा आ गई है। अब हमें मालूम है कि जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो कुछ कंडीशन है, साइन एक्स अपॉन एक्स एक जैसे नंबर साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये पूरी की पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाती है, आपको मालूम होना चाहिए, मैंने शो करा दिए। ये देखें ये 1 के बराबर है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। लिमिट को जब अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट होगा, ए पुट होगा, तो 2 कॉस ए प्लस ए, मजीद देखते हैं 2 कॉस ए प्लस ए 2a हो जाएगा, ठीक है जी। अब फंक्शन एक्स का तो जहाँ जहाँ ए वहाँ क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा साइन 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 कॉस 2x। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने सही निकाला है या गलत। डेरिवेटिव y के बराबर लिया, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया, जब डेरिवेटिव लिया तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। आप लिख लें कहीं पेपर के ऊपर नोट करते रहें कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 2x, कॉस 2x। डी अपॉन डी एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का 2x, 2 शुरू में आ जाएगा कॉस 2x, डी अपॉन डी एक्स ये एक्स बचा है, तो इसको एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करें। जब डी अपॉन डी एक्स 1 के बराबर होता है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें वही आएगा 2 कॉस 2x, देखें यही आंसर आ रहा है 2 कॉस 2x। थैंक यू वेरी मच। इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।